आज एक बार फिर पंचकुला शहर में एक मामूली सी बरसात आई और नगर निगम द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों की हकीकत की पोल खोल चली गई। आपको बता दें कि सुबह की मामूली सी ही बरसात ने कई सेक्टरों के साथ साथ नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में पानी पानी कर दिया, तो वहीं आने जाने वाले पैदल लोग हो या दोपहिया व चारपहिया वाहनों को मामूली सी ही बरसात से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि निगम द्वारा इस बार ठेकेदारों को साफ सफाई का ठेका देने में देरी बरतने के कारण ऐसी दिक्कतें सामने आई, ऐसा कहना है नगर निगम कमिश्नर का। अब यहां सवाल ये उठता है कि करीब 1.5 करोड़ का ठेका देरी से भी जब दिया भी जाता है तो फिर नदी नालों गटर व बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं की जा रही। तो वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महज निगम के दफ्तर के आसपास ही सेक्टर 14, सेक्टर 11, 15, 10, 7 व सेक्टर 6 के हालात ही ऐसे हैं कि रोड पर जो भी गटर है तकरीबन कई गटर जाम है। लेकिन निगम के ठेकेदार आखिरकार ठेका लेने के बाद भी क्या वो काम कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखने वाला आखिरकार है कौन। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बार इतने कमजोर मानसून ने ही नगर निगम के कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल खड़े किए, तो यहाँ समझना ये होगा कि अगर बरसात अच्छी खासी हो जाए तो भला इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज थोड़ी ही बारिश में अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो बारिश अगर तेज हो जाए तो पंचकुला के कई सेक्टरों व गाँव में क्या और कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, इसका अंदाजा इन व्यवस्थाओं को देखकर लगाया जा सकता है। तो वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और पंचकुला में 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था रोड गलीज को साफ करने के लिए, मगर फिर भी पानी सड़कों पे भर जा रहा है, रोडों साफ नहीं हो रही है, इवन कि पेट्रोल पंप भर जा रहे हैं, शहर के अस्पताल जो है 6 सेक्टर हॉस्पिटल वहाँ पानी भर जा रहा है, इमरजेंसी के अंदर इस तरीके बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी बराबर भर जा रहा है। तो टेंडर हुआ भी था या कैसे रहा? नहीं, टेंडर हुआ था, लेकिन अब की बार टेंडर जो है थोड़ा सा डिले हुआ, लेट हुआ, बिल्कुल बरसाती सीजन से ठीक पहले नहीं हो पाया, थोड़ा लेट हमने किया था। लेकिन अब भी जहाँ भी हमने जो की शिकायत मिलती है तो उसका हम तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं, अगर वो कोई किसी का काम नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हम जो उसको पेनलाइज भी करेंगे, और हमारे न केवल ठेकेदार को बल्कि हमारे जो ऑफिशियल जो कंसर्न है उनके खिलाफ भी जो है हम एक्शन लेंगे। नहीं, मान लिया टेंडर लेट हुआ था, लेकिन जहाँ पे टेंडर हुआ है जिन्होंने भी टेंडर लिया है वो काम कर रहे हैं? जी, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई एरिया में हो सकता है वो आपने जब देखा हो कोई उनकी छुट्टी हो या कुछ और हो, लेकिन अगर आपने जो 2-4 पॉइंट मुझे बताए हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है, हम लोग जो है करवाएंगे। नहीं, मैंने आपको कि जो ठेकेदार के इसमें कहीं ना कहीं खानापूर्ति जो करता हुआ नजर आ रहा हो सकता है, ये बातें आपकी देखिए हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है, हमारे ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाह हो सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम भी जिस तरह से अभी सेक्टर 19 की बात करिए, जब पानी की समस्या थी, काफी बार आप दो बार वहाँ विजिट करके भी आए, तब भी हमने समस्या उठाई थी कि हाँ जो टेंडर की बात की, तो टेंडर अगर लेट भी मिला है तो कम से कम अगर टॉप प्रायोरिटी पे काम कराना चाहिए था सर। वैसे नहीं, टॉप प्रायोरिटी पे ही हम जो है सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्थान अगर रह गए हैं लापरवाही के कारण वो, तो उनका भी हम जो है। सर, निगम के दफ्तर के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसी दिक्कतें हैं, कम से कम उनको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी लोग निकलते हैं यहाँ से, तो कम से कम दिक्कत हो सकती है सर। बिल्कुल, निगम का क्षेत्र के आसपास ही नहीं, सारा शहर और सारा जो निगम का क्षेत्र सारी की हमारी जिम्मेवारी। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं उस जगह की तो सफाई कर दी गई, बाकी दूसरी जगह की सफाई नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सफाई हर जगह की होती है। ये हो सकता है कि कई बार जो है ना वो जो टीम है वहाँ पहले उनको बुला लेते हैं, हो सकता है वहाँ सफाई हुई हो, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो किसी दूसरे जो एरिया है जिसमें किसी दूसरी पार्टी का जो है मतलब कि वो पार्षद है तो उसकी सफाई ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ये भी है कि जो लोग जहाँ पे सफाई होती है जो कूड़ा निकालते हैं वो वहीं डाल देते हैं, बारिश होती वापस कूड़ा फिर वहीं चला जाता है। हाँ, इसमें ये भी है कि सफाई करने वाले अलग हैं, निकालने वाले अलग हैं, तो ये भी कई बार जो है इस तरह की बातें हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। गहन मामला आया था कि 11-15 की लाइटों पे एक गड्ढा छोड़ दिया गया था सफाई करने के बाद, और उस गड्ढे के कारण एक मोटरसाइकिल सवार 6 सेक्टर हॉस्पिटल पहुंच गया, मतलब गिर गया उसके अंदर लापरवाही के कारण। तो ये क्या लगता है कि आपको सर क्या चेकिंग के लिए अलग से टीम बनानी पड़ेगी कि जो लोग ठेके में काम कर रहे हैं? नहीं, हमारी जो इंजीनियरिंग विंग है वो इसी काम के लिए है, कई बार जो है ना ये सड़कें जो पुरानी हैं कई बार जो है ना वो बैठ जाती हैं कई जगह से, कई जगह इरोजन हो जाता है, कटाव हो जाता है ज़्यादा बरसात के कारण, तो उसमें उसको तुरंत हम जो है ठीक करते हैं, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की कोई भी जो बात है वो ना हो, असुविधा ना हो लोगों को।